नमस्ते बच्चों, आप सबका एसी चार्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 8th क्लास में एक्सरसाइज 8.1 करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको पूरी प्रॉपर्टीज की वीडियो करवाई थी, आप अगर उसे चाहे तो देख सकते हैं और अपना कसर और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आओ पहला क्वेश्चन करें। देखो, -2/3 (-3/5) +5/2 -3/5 (+1/6) हमें गिवन है। बोला है प्रॉपर्टी का सोल्व करके सोल्व करना है। अगर आप सीधा मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कर दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए बोला प्रॉपर्टी का यूज करो तो प्रॉपर्टी का यूज करना है। प्रॉपर्टी में आपको मैंने बताया था, एक क्लोज प्रॉपर्टी थी, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, कम्युनिटी प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। इन चारों में से आपको एक प्रॉपर्टी लगा के इसे सोल्व करना है। ध्यान से देखो आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। ध्यान से देखो, ये 3/5 इसमें भी है, इस वाले ग्रुप में भी है। पहले प्लस और माइनस से ग्रुप बना ला करो। ये एक ग्रुप हो गया, ये दो ग्रुप हो गए, ये तीन ग्रुप हो गए, ठीक है। अब देखो इस वाले ग्रुप में 3/5 है, इस वाले ग्रुप में 3/5 है। अगर ये आगे हो जाए और ये पीछे हो जाए तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, कम्यूटेटिविटी। कौन सी, कम्यूटेटिव। तो हम यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि एक जैसी वाली जो अमाउंट है वो एक तरफ हो जाए। ये सेम उतार दिया, ध्यान से समझना, एक को लगाना मत भूलना। ये चीज आगे आ गई, जब ये चीज आगे आ गई तो साइन चेंज नहीं होगा। जब इक्वल के उधर लेके जाते हैं तभी साइन चेंज होता है, वैसे साइन चेंज नहीं होगा। यहां तक क्लियर हो गया। यहां लिख दो के बाय कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है, छोट में लिख दिया भाई, कम्यूटेटिविटी पूरा लिखना, ठीक है। अब ध्यान से देखो दोनों में क्या कॉमन है, 3/5 इसमें भी, 3/5 इसमें भी है। जब हम कॉमन लेते हैं तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। दोनों में 3/5 आ गया तो यहां क्या बचा, -2/3 -1/6। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में माइनस भी है, आप चाहे तो माइनस भी भाग ले सकते हैं, ठीक है, माइनस भी भाग ले सकते हैं। देखो दोनों में माइनस है तो माइनस भाग ले लो, तो इससे क्या होगा, ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लेना है। अब 3 और 6 का जब आप एलसीएम लोगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 आ गया, तो 6 आ गया। अब 3 के टेबल में 6 कौन से नंबर पे आता है, 2 के, 2 2 जा 4 हो गया। 6 के टेबल में 6 कौन से नंबर पे आता है, 1 पे, 1 1 जा 1 हो गया, ठीक है। इस तरीके से 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। क्लियर हो गया यहां तक। अब ध्यान से देखो ऊपर नीचे को कट रहा है, अब काट सकते हैं। देखो ये 5 से 5 कट रहा है, ऊपर नीचे काटेंगे, यू यू मत काट देना, ठीक है, ऊपर को ऊपर से मत काट देना। 5 से 5 कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। देखो मेहनत करने के लिए सिंसियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है, और अगर आप सिंसियर हो गए तभी आप सक्सेसफुल हो गए। देखो 1 1 जा 1 हो गया और 2 यहां कुछ नहीं तो 1 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है। यहां पर क्या चल रहा है, 5/2 चल रहा है, दोनों में सेम 2 है, 2 आ गया, तो 5 और 1, 5 में से 1 का क्या बचा, 4, और 2 को इससे कैंसिल कर दिया तो 2 आंसर आ गया, 2 2 जा 4 होता है। ये मैंने आपको एक पहला पार्ट करवा दिया। अब इसका दूसरा पार्ट अच्छे से समझना। देखो बच्चों, यहां पर मैंने कॉमन लिया था तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखना बहुत जरूरी है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप सेकंड क्वेश्चन पे देखो, देखो सेकंड जो पार्ट है इसका वो भी पहले की तरह ही है। सबसे पहले आप देखो प्लस माइनस की वजह से कितने पार्ट बन गए, 1 2 3। अब ये बहुत बोल रहे हैं माइनस है तो ये भी अलग पार्ट हो गया, मल्टीप्लाई है, दोनों के बीच मल्टीप्लाई को एक पार्ट माना जाता है, वो एक ही पार्ट माना जाता है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब इसमें क्या सेम है, 2/5, और इसमें भी क्या सेम है, 2/5, है ना। तो आप इसको साथ में लिख लेंगे, 2/5 इक्वल होगा ना, मत भूलना, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। ये पूरा आपने आगे उतार देना है, पूरा आपको आगे उतार देना है। अब ध्यान से देखो दोनों में क्या कॉमन है, 2/5 2/5। जब आपने इसको आगे पीछे करा तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, बाय कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। जब आप इसमें कॉमन ले रहे हो तो कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 7 और 14 का जब एलसीएम लेंगे तो 14 आएगा। 7 के टेबल में 14 कौन से नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है, तो 6 आ गया। 14 के टेबल में कौन से नंबर पर आता है, 1 पे आता है, तो 1 ही आ गया। ठीक है, अब माइनस के सिग्नल से प्लस का बन जाएगा तो माइनस के अमाउंट बढ़े तो माइनस का साइन आएगा। अब इसको भी ऐसे लिख दो, बाद में कैंसिल कर देंगे, ठीक है।
अब ऊपर नीचे देखो कोई कट रहा है, देखो 5 के टेबल में आता है 5 1 5 5 1 5, 2 के टेबल में दोनों आते हैं 2 1 2 2 7 14, 2 7 14 1 1 1 माइनस का 1 7 आ गया। अभी ऊपर नीचे देखो 3 1 3 3 2 6 1 2 2 कितना हो गया 4 आ गया। ठीक है, अब उसका इसका एलसीएम ले लेंगे। मैंने क्या कहा था कि दो वाला हो तो सिंपल एलसीएम लो, ऐसे 4 की 7 मल्टीप्लाई कर लो, 7 की 7 मल्टीप्लाई कर लो और 4 की 7 मल्टीप्लाई कर लो 28। तो हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस का 11/20। तो इस तरीके से मैंने आपको सेकंड पार्ट अच्छे से करवा दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड में बोला योज्य प्रतिलोम निकालो, एडिटिव इनवर्स निकालो। ये जो प्रॉपर्टी है ना बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ये आप एक बार अपनी बुक में देख लेना हिंदी में से क्या कहते हैं। ठीक है, एक को वितरकता कहते हैं, कर्मविनिमयता कहते हैं, एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, उससे बोला एडिटिव इनवर्स निकालिए, योज्य प्रतिलोम निकालिए। तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, आप क्या लिखोगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8। तो एरो बना के लिख देना माइनस का 2/8। मैंने आपको बताया था ना प्रॉपर्टी में, जब पिछली वीडियो करवाई थी उसमें बताया था साइन चेंज करना होता, खाली क्या करना होता है साइन चेंज। हिंदी में क्या लिखोगे, 2/8 का योज्य प्रतिलोम माइनस 2/8 होगा। ठीक है, एक तो मैंने पूरा करवा दिया, बाकी जो पार्ट है मैं सिर्फ आंसर से बता रहा हूं। जैसे माइनस 5/9 का पूरा ऐसे ऐसे लिखना है, इसका आंसर क्या आएगा 5/9 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले का क्या आएगा, माइनस 6/-5, दो बार माइनस है तो एक माइनस हटा देंगे, एक माइनस हटा देंगे। पूरा पूरा ऐसे लिखना बच्चों, पूरी पूरी स्टेटमेंट लिखना, अगर आपने पूरी पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन करवा दिया, बाकी पार्ट आपको खुद करने हैं। अब आ जाओ थर्ड पे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, अच्छे से करना। इसने बोला वेरीफाई करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें वेरीफाई करना है माइनस माइनस एक्स इक्वल टू में एक्स होगा। आपको एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस का 11/15, सॉरी प्लस का। तो आपको क्या करना, यही एलएचएस में पुट कर दो, यही आरएचएस में पुट कर दो, जहां एक्स है ना वहां 11/15 पुट कर दो, या लिख देना पुटिंग रखने पर। ठीक है, रखने पर तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कट गया ना, तो 11/15 एलएचएस बराबर क्या हो गया, आरएचएस आके बस खत्म। सिंपल सा करना था, मतलब जो ये है ना, ये जो स्टेटमेंट है इसमें एक्स की जगह आपको 11/15 रख देना। चलो मैं इसका दूसरा पार्ट भी करवा देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। दूसरा पार्ट में क्या दे रखे हैं, माइनस का 13/17 दे रखे। ठीक है, तो आप पुटिंग कर दो, पुटिंग। ठीक है, एक्स इक्वल माइनस, तो माइनस एक्स ये लिखा है, पहले उतार लेते हैं। तो जहां एक्स है ना वहां आपको माइनस 13/17 लिखना है, जहां एक्स है वहां माइनस 13/17 लिखना है। अब देखो कितने माइनस है, 1 2 3। जब मैंने आपको बताया था ओड माइनस हो, जब ओड माइनस होते हैं तो एक कट गया, दो कट गया, तो खाली क्या बचा, एक बचा। तो इसका मतलब यहां पे क्या आंसर आएगा, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, माइनस 13/17 इक्वल टू माइनस 13/17। ठीक है, एल एच एस बराबर क्या आ गया, आर एच एस। ठीक है, तो ये आपको दिखाना जरूरी नहीं है बार बार, यहां फर्स्ट लिख देना। ठीक है, लिख देना पुटिंग इन फर्स्ट। ठीक है, पुटिंग इन फर्स्ट। ठीक है, ये अगर दोबारा लिखना चाहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से मैंने आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझा दिया। ठीक है, अब मैं आपको चौथा पार्ट करवा रहा हूं, उसमें बोला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। पहले वाला जो करवाया था वो एडिटिव इनवर्स था, क्या था, एडिटिव। एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि अगर कंफ्यूज हो गए तो आपका बना बनाया क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, मल्टीप्लिकेटिव में क्या करते हैं, इनवर्स कर देते, उल्टा कर देते, क्या करते थे, रेसिप्रोकल। जैसे ये है तो आप लिखोगे मल्टीप्लिकेटिव, हिंदी में बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, अगर स्पीड से लग रहा होगा तो 3 डॉट होते हैं, उससे आप स्पीड धीरे कर सकते हो, ये बेनिफिट होता है यूट्यूब का। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस 13 क्या आ जाएगा, क्योंकि इजी से मैं थोड़ा स्पीड से करवा रहा हूं, इसके नीचे एक लगा लो, 1/13 हो जाएगा। समझ आ गया, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, माइनस 13 का गुणात्मक प्रतिलोम
इक्वल टू एक बटे माइनस कर देना, समझ में आ गया, माइनस ऊपर रहने देना, आपकी मर्जी, आप नीचे भी उसे लिख सकते हो। ठीक है, एक और पार्ट करवा देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है, माइनस फाइव बाई एट मल्टीप्लाई। अब बोलोगे भैया इसे कैसे करें, अरे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो पहले उसे सोल्व करो। ठीक है सर इसे कैसे करें, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, फाइव थ्री जे फिफ्टीन, एट सेवन जे फिफ्टी सिक्स, पहले कर लिया, फिर आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइड इनवर्स ऑफ फिफ्टीन बाय फिफ्टी सिक्स इक्वल टू फिफ्टी सिक्स अपॉन में फिफ्टीन। ठीक है शॉर्ट में लिख दिया मैंने, हिंदी पूरा पूरा लिखना, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, पंद्रह बटे छप्पन का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, छप्पन बटे पंद्रह। ये मैंने हिंदी वालों के लिए लिखा है, ये इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिखा, दो दो बार मत लिख देना आप। ठीक है समझ में आ गए यहां तक, तो आज के लिए चार क्वेश्चन बहुत हैं, बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है और मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिएगा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करो, तभी फिर मैं और आगे करवाऊंगा। ठीक है तो आज के लिए इतना बहुत है, और अच्छे से मेहनत करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बन सके।